हेलो दोस्तों आपके अपना चैनल सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग कक्षा दस का हिंदी का चैप्टर तेरह देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है मान्य करुणा की दिव्य चमक इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है यानी एमसीक्यू प्रश्न सारे के हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है देखिए पहला प्रश्न है फादर किसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी को जो फादर थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे अगला प्रश्न है दो नंबर फादर किस रोग से पीड़ित थे तो याद रखना है जो फादर थे वो जहरबाग से पीड़ित थे यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है तीन नंबर देखिए तीन नंबर प्रश्न है मान्य करना की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है तो इस चैप्टर का जो लेखक है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है चार नंबर फादर की अंतिम क्रिया कहाँ की गई तो यह देखना है फादर की जो अंतिम क्रिया है वह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्र गांव में की गई थी यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न पे आते हैं पांच नंबर पांच नंबर प्रश्न है फादर के सातवना के जादू भरे शब्द किसका काम करते थे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोशनी भरने का यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है छ नंबर छ नंबर प्रश्न है फादर उत्सवों व संस्कारों में लेखक को किस भूमिका में नजर आते थे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़े भाई वो पुरोहित की यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है आठ नंबर आठ नंबर प्रश्न है हर मौत दिखती है जीवन को नई राह पंक्ति का क्या भाव लिए हुए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सातवना और शांति का यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट तो प्रश्न देखिए नौ नंबर प्रश्न है फादर को याद करना कैसा संगीत सुनने जैसा है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदास शांत यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है दस नंबर फादर की उपस्थिति लेखक को किस वृक्ष की छाया के समान लगती थी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवदार यानी ऑप्शन नंबर जो है बीस का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न अगला प्रश्न है ग्यारह नंबर फादर की मृत्यु कैसे हुई थी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहरबाज से यानी ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है बारह नंबर कर्म के संकल्प से भरना पंक्ति लेखक ने किस महापुरुष के संबंध में लिखी है तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा फादर बुलके के यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है तेरह नंबर देखिए तेरह नंबर प्रश्न है मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जहाँ परिमल क्या है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहित्यक संस्था का नाम यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है चौदह नंबर लेखक ने फादर काबिल बुलके को क्या कहकर संबोधित किया है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मान्य करुणा की दिव्य चमक यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर प्रश्न है फादर को किसकी ज्ञान दी गई है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन्यासी की यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था सारा को मैंने कवर कर दिया अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और पहला बार विजिट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए सोना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू जय हिंद